दोस्तों, होली का त्यौहार आ रहा है और होली के त्यौहार मनाने के लिए सभी लोग अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में जितनी भी स्पेशल ट्रेन चल रही है सारी फुल हो चुकी हैं, किसी किसी में तो वेटिंग भी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन सभी ट्रेनों की लिस्ट और जानकारी मैं आपको दूंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो मिला में। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन दिया उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और दोस्तों, पूरी वीडियो लास्ट तक आप देखिए, तभी आपको सारी ट्रेनों की जानकारी मिल पाएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रेलवे मार्च तक एक साथ 47 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी में है। ट्रेन परिचालन को सामान्य बनाने में जुटी भारतीय रेल इससे पहले 8 मार्च सोमवार से एक साथ 13 महत्वपूर्ण ट्रेनें पटरी पर उतार चुकी हैं। इनमें जनसामान्य साधारण श्रेणी में सफ़र करने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए पैसेंजर ट्रेनों की भरमार है। भारतीय रेल ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने में जुटा है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत तक 47 नियमित मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें स्पेशल नहीं बल्कि कोरोना काल के पहले जैसी नियमित चलती थी वैसी ही चलेगी। इनमें विशेष किराया या बढ़ा हुआ भाड़ा के बदले सामान्य किराया लगेगा। बताया गया है कि पहले चरण में 29 ट्रेनें चलाने की तैयारी अंतिम चरण है, मतलब ये होली से पहले आपको 29 ट्रेनें चल जाएंगी और इंजन तैयार कर रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे जैसे हरी झंडी मिलती जाएगी सभी 47 ट्रेनों को फिर से पटरी पर लाने का काम शुरू हो जाएगा। रेलवे के द्वारा इन ट्रेनों को चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हावड़ा से छत्रपुर शिवाजी टर्मिनल तक चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस, हटिया से आनंद विहार जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, रांची से नई दिल्ली जाने वाली झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, हावड़ा दीघा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, इस्पात एक्सप्रेस, हटिया से एर्नाकुलम जाने वाली धरती आभा एक्सप्रेस, हटिया बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस, संतरागाछी जबलपुर हम सफ़र एक्सप्रेस, संतरागाछी चेन्नई सेंट्रल अंत्योदय एक्सप्रेस, संतरागाछी आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस, हावड़ा शिरडी साईनगर एक्सप्रेस, रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, टाटा अमृतसर एक्सप्रेस, टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस, रांची मंडुआडी एक्सप्रेस, रांची अजमेर शरीफ करीब नवाज एक्सप्रेस, रांची सासाराम एक्सप्रेस, हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस हरी झंडी मिलने के बाद अगले हफ्ते से चलने को तैयार है। इस हफ्ते से दोबारा शुरू हो रही हैं ये ट्रेनें। इनके मुताबिक गोमो पारसनाथ कोडरमा होकर रांची से दिल्ली जाने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस समेत 5 स्पेशल ट्रेनें इस हफ्ते से दोबारा चलने वाली है। इन सभी स्पेशल ट्रेनों को चलने की तारीख का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।